Hello everyone, my name is Ranjita Singh. Welcome back to my channel. So those of you who are new here, I welcome you, and those who are my old subscribers, thank you so much for coming back. So aaj hum love tarot reading karne wale hain. Hum dekhenge ki aap agar no contact zone mein hain ya fir aapke partner ke saath aapka thoda separation chal raha hai ya baat nahi chal rahi hai, तो हम और इनसाइट्स लेने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो ये लव रीडिंग होने वाली है आपके लिए मार्च की. ठीक है, एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का, जैसे कहते हैं ना, फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट आई रियली वांट टू थैंक ईच वन ऑफ यू. आपने मेरी मार्च रीडिंग को बहुत 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 प्यार दिया और आपने मुझे बहुत ब्लेसिंग भी दी. थैंक यू सो मच. आप सभी को बहुत पसंद आई रीडिंग. मुझे लोगों ने काफ़ी मैसेज किए पर्सनली, इंस्टाग्राम, हर जगह पे मुझे आप सब ने बहुत सारा प्यार दिया. ठीक है, एंड उसी के साथ साथ मुझे कुछ लोग, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको ये बात कही थी, और कुछ लोग अननेसेसरीली मैसेजेस करते हैं और कॉल्स कर रहे हैं. अगेन एज आई मेंशनड माय लास्ट वीडियो में भी कि 10:30 रात के 10:30 कौन कॉल करता है, तो मुझे एग्जैक्ट 10:30 ही कॉल आई. कैन यू बीट दैट? तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है. और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा वो नंबर मेरी टीम हैंडल करती है, मैं नहीं करती हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू अवेलेबल देयर. ठीक है, वो परेशान हो रहे हैं, वो मुझे बताते हैं. एंड सेकेंडली, जो भी सिनेरियो है, आप सिंपल, आप हमें जो मैंने नीचे नंबर मेंशन किया हुआ है, या तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. ठीक है, आप मुझे सीधा कॉल ना करें. कॉल बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है. और अगर आप मुझे व्हाट्सएप भी मैसेज कर रहे हैं, हाय, दीज आर नॉट काइंड ऑफ मैसेजेस ना. आप सिंपली अपना नाम लिखिए, अपना क्वेश्चन लिखिए. अगर वो रेलिवेंट होगा तो हम आपको रिवर्ट बैक करेंगे विद अवर चार्जेस. ठीक है, और आपके साथ जो भी क्राइटेरिया मैच करता होगा तो आप उसे पिक करें. ठीक है, अपनी कंफर्म करें बुकिंग को, और तब हम आपको हमारी सर्विस प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि विद इन 24 and 48 hours आपको रिवर्ट बैक और आपकी सर्विस आपको मिल जाएगी. लेकिन आप इस तरीके से कॉल ना करें. ठीक है, मुझे कंसल्टेशन चाहिए एट 10:30. दिस इज नॉट प्रोफेशनल, राइट? और मैं ऐसे काम नहीं करती. और मैंने कल रात ही कुछ लोगों को ब्लॉक भी कर दिया. मैंने अपनी टीम को बोला आप ब्लॉक कर दो उनको, क्योंकि जो लोग इतनी छोटी सी बात नहीं समझ सकते और उनमें इतना पेशेंस नहीं है कि चीज़ों को कब और कैसे करना है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप मुझे 10:30, 11 o'clock मैसेज करेंगे वहाँ पर, तो आप, आई एम रियली सॉरी टू से, आप ब्लॉक कर दिए जाएंगे और फर्दर आपको कोई इनफैक्ट सर्विस भी प्रोवाइड नहीं की जाएगी. आप प्लीज़ टाइमिंग का ध्यान रखें. ठीक है, और दिन में कॉल करें, दिन में मैसेज करें, और दिन में ही आप अपने सवाल के साथ मैसेज करें. ठीक है, और जो भी होगा हम आपको रिवर्ट बैक करेंगे. ये सिनेरियो फिक्स है, प्लीज़ इसे समझ लीजिएगा जितनी जल्दी हो सके. ठीक है, एंड अगेन जिन लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, आई एम सो मच थैंकफुल. एंड येस, इस मार्च मैंने आप सभी के लिए इतना बम्पर एक ऑफर निकाला है, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैम हमें कंसल्टेशन चाहिए, चार्जेस थोड़े से थोड़े वो कर दीजिए. तो जस्ट फॉर दिस मंथ आई हैव गिवन बिग 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 सरप्राइज टू यू. ठीक है, तो और ऑफकोर्स हमने अभी रिसेंटली 600 सब्सक्राइबर हिट किए हैं. सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एज वेल, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ दिस फैमिली, एंड आई एम सो मच ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू, लाइक ईच वन ऑफ यू. ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं. और विद अ वेरी 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 पॉजिटिव नोट, आप जिस भी डेटी को मानते हैं, उनको अपने मन में रखिए और इस रीडिंग को एंजॉय करिए. ठीक है, और जो भी मैं आपको इसके अंदर गाइडेंस दूंगी, उसे खुले दिमाग से आप उसे अप्लाई कीजिएगा. एंड यस, अ लॉट ऑफ यू आर आस्किंग मी कि मैम हमें न्यूमरोलॉजी का भी आप गाइड करें. ठीक, मैंने न्यूमरोलॉजी की वीडियोस डाली हुई हैं, आप
थोड़ा प्रीवियस वीडियोज़ में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। एंड येस ऑफकोर्स मैं आगे आपके लिए और वीडियोज़ लेके आने वाली हूँ न्यूमरोलॉजी पे, उसकी और मैं आपको गाइडेंस दूंगी, प्लस मैं आपके लिए सिजिल भी लेकर आऊँगी जो लिटरली काम करते हैं, ठीक है। तो आने वाले टाइम पे आपके लिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट पे वीडियोज़ आने वाली है, और न्यूमरोलॉजी, सिजिल्स, लॉट ऑफ थिंग्स, ओके। बिकॉज इस चैनल की थीम थी होलिस्टिक अप्रोच ऑफ लिविंग, अ 360 अप्रोच ऑफ लिविंग। तो हम हर चीज़ देखेंगे, फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली, एवरीथिंग, यू नो, कहाँ पे आप अपने फिजिकल यू नो सेल्फ को भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं, कहाँ पे आप अपने मेंटल ब्लॉकेजेस बना रहे हैं, तो हम हर चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो मैं फर्दर आपके लिए कुछ ब्यूटी टिप्स भी लेकर आऊँगी, क्योंकि पर मुझे बहुत लड़कियाँ बोलती हैं, ठीक है। सो जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है। एंड आज के लिए अब हम ये रीडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप वेरी पॉजिटिव नोट पे अपने पार्टनर को याद करिए, अपने मन में उन्हें यू नो ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट इस रीडिंग को सुने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम गण गणपतये नमः, ठीक है, चलिए। सो यहाँ पर मैंने आपके लिए टैरो रखा है, एंड येस ऑफकोर्स मैंने आपके लिए मेजर अरकाना से भी यहाँ पे कार्ड्स रखे हैं। हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में मेजरली क्या हो रहा है, ठीक है, क्या आने वाला है, और अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, ठीक है। सो दीज आर द मेजर कार्ड्स एंड आई जस्ट लव देम, ठीक है। नाउ लेट्स सी, आप अपने पार्टनर का यू नो के माइंड में ध्यान कर सकते हैं, और जितना हो सके पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। एंड अगर आप मेरे चैनल पे इस वीडियो पर पहुँचे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए इसमें मैसेज होगा, एंड दिस इज़ टाइमलेस। तो जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं ये सभी के लिए है, ठीक है। एंड डेफिनेटली इट इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, तो कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। जो नहीं करेंगी उन्हें किसी और के लिए पास ऑन कर दीजिएगा, एंड जो आपके लिए है वो आपके लिए आप लीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स सी, और वाइल आई एम शफलिंग द कार्ड आई डू साइकिक रीडिंग ऑल्सो, सो मेक श्योर कि आप उसका भी ध्यान दें, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे पहले मैसेज जो मुझे आ रहा है, काफ़ी लोग ब्लैंक स्पेस पे हैं। ब्लैंक स्पेस से मेरा मतलब जैसे कि जहाँ उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, पीछे जाएं, आगे जाएं, इट इज़ समथिंग लाइक नथिंग, यस। लेट्स सी, एंजल्स प्लीज गाइड करें कलेक्टिव के लिए इस मार्च, क्या मेजर आ रहा है। थैंक यू, ओ माय गुडनेस, वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड, ब्यूटीफुल कार्ड, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपने आप में ही बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। तो सी, यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है लवर्स, एंड टू बी ऑनेस्ट जब ये कार्ड आता है रीडिंग में ऑटोमेटिकली ये चीज़ दिख जाती है मुझे कि आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं इट इज़ अ वेरी लवफुल रिलेशनशिप। सेकेंडली आप इस कार्ड को आप ध्यान से देखिए तो इस कार्ड के अंदर राधा कृष्ण बने हुए हैं, एंड वी ऑल नो इफ यू नो अगर किसी भी डेटी की बात होती है, जब प्यार की बात होती है तो राधा कृष्ण का नाम सबसे पहले लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस मार्च में आपकी यूनियन पक्की है। यस, इफ़ यू आर इन अ नो कॉन्टैक्ट जोन तो आपके लिए मुझे यूनियन दिख रहा है, यूनियन इन द सेंस कि कहीं ना कहीं मुझे आप लोग मिलते हुए दिख रहे हैं। एक्चुअली मीन्स बहुत प्यार है आपकी यू नो इस रिलेशनशिप में, मैं जो देख रही हूँ इट्स वेरी अनकंडीशनल लव, ओके। एंड डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग सोलमेट्स हैं एंड ट्विन फ्लेम्स जर्नी में हैं, कुछ लोग यू नो अगर आपने देखा हो वाइल शफलिंग द कार्ड्स माय एनर्जी वाज वेरी हाई, एंड नाउ इट इज़ ऑल ऑफ सडन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि एक मैं मेडिटेटिव जोन में चली गई हूँ, मैंने एक बहुत बड़ी मेडिटेशन कर ली है। तो यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा रूहानियत देख रही हूँ उस रिलेशनशिप में, और एक कहते हैं ना जैसे इतना डीप प्यार, जहाँ पे आप इतना प्यार करते हैं इनसे, एंड डेफिनेटली उनका भी मुझे प्यार है यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों यू नो
इस रिलेशनशिप में एक डूअर है, एक गिवर है, एक टेकर है, ठीक है, एक लेने वाला है, एक देने वाला है। तो इस रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ कि एक इंसान ने बहुत लिया है दूसरे इंसान से, इक्वल अमाउंट ऑफ लव, सो इक्वल अमाउंट ऑफ लव नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे ना कि स्पेशली अ फेमिनाइन एनर्जी, जैसे ना किसी में खोई हुई है। एंड येस, एंड योर ऑफकोर्स सिक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड आप में से बहुत से लोग का ना मैं ये देख रही हूँ कि ना जैसे ना यस 6 हफ्ते 6 घंटे 6 दिन ये टाइम आपके लिए मुझे दिख रहा है। इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए मुझे 6 महीने भी दिख रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए, आपके कनेक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड यस इट इज़ लाइक मेस्मराइजिंग। एंड द बॉटम कार्ड इज डेविल। डेविल का कार्ड मुझे यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आप में से बहुत से लोग ना ऑब्सेस्ड और पोजेस्ड भी हैं अपनी रिलेशनशिप को लेके, अपने पार्टनर को लेके। हो सकता है कि यहाँ पे ना एक डेविल की एनर्जी का मतलब पता है क्या है कि यहाँ ना कहीं मुझे ना कुछ आसपास के जो लोग हैं ना वो बड़े टॉक्सिक आपके रिलेशनशिप में दिख रहे हैं। स्पेशली मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके आप में से बहुत से लोग ना जैसे कहते हैं यू नो आपकी रिलेशनशिप को बहुत से लोग जैसे ना बुरी नज़र दे रहे हैं, अ डेविल अ टॉक्सिक एनर्जी, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से बहुत से लोग जिसे कहते हैं ना जानते हैं बहुत अच्छे से कि यस कि कुछ लोग हैं आपके रिलेशनशिप में जो जिसे कहते हैं ना जो बीच बीच में पत्थर फेंक देते हैं और आपको कुछ भी कह देते हैं कि नहीं 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 ये रिलेशन तेरे लिए ठीक नहीं है। कुछ लोग आपको बहुत एडवाइस भी देते होंगे यहाँ पे, ठीक है, मैं देख रही हूँ कि नहीं 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 एंड येस एक सिक्स नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 6, 24 and 33 ऑल अबाउट अनकंडीशनल लव। सी 3 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। येस लेट्स सी टैरो से पूछते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ में मार्च में, ठीक है। पहले हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की इस वक्त करंट एनर्जी क्या है, ठीक है। व्हाट इज योर पार्टनर करंट एनर्जी। ओके एंजल्स प्लीज गाइड करें जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी ऑफ देयर पार्टनर। ओके अगर आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे हैं ना कि कनेक्शन में प्यार था भी या नहीं है भी या नहीं, तो डेफिनेटली यहाँ बहुत प्यार है, लेकिन ना मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे ना इस रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस रिलेशनशिप में यही प्रॉब्लम है कि एक इंसान दे रहा है और एक इंसान ले रहा है। तो शायद अब जैसे कहते हैं ना अब यूनिवर्स चाहता है कि आपकी कदर हो, तो इसलिए अपना जैसे कहते हैं ना बोल दूसरे के कोर्ट में जाने के लिए तैयार है कि जो बंदा डूअर था कहीं ना कहीं उसने एक सेटबैक कर लिया है, ठीक है, अब वो चुप बैठ गया है और यूनिवर्स चाहता है कि वो दूसरा इंसान अब इनिशिएटिव ले, लेकिन वो जो दूसरा इंसान है कहीं ना कहीं टॉक्सिक एक डेविल एनर्जी में। आई एम डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पैशन भी देख रही हूँ, सेक्शुअल पैशन देख रही हूँ। हो सकता है आपके पार्टनर आप बहुत ज़्यादा सेक्शुअली भी, लेकिन मुझे ना सेक्शुअली से ज़्यादा ना यू नो रूहानियत लग रही है टू बी ऑनेस्ट। ओके द फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ओके एंड लेट मी टेक दिस कार्ड्स ऑल्सो, देर आर लॉट ऑफ कार्ड्स, आई विल टेक ओनली फ्यू। लेट्स सी आपके लिए और क्या आ रहा है। यस यहाँ पे आपके लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स आ चुका है पहला कार्ड। लेट मी टेक मोर कार्ड्स। What is, thank you angels, thank you, what is the current situation of the partner? Okay, मैं यहाँ पे ना आपके पार्टनर की एनर्जी ना बड़ी रिजिड और जैसे कहते हैं ना बड़ा बैलेंस होके चलना और अपने आप को जैसे ना उन्होंने एक बाउंड्री बना ली है, क्लोज कर दिए हैं दरवाजे जैसे उन्होंने एक। लेट मी सी मोर ओके Ace of Pentacle and the Moon. Okay.
सो गाइज मैं यहाँ पे जो देख रही हूँ, ओके तो यहाँ पे मैं जो देख रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पार्टनर जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं, वैसे तो सभी के लिए है जो भी ये रीडिंग को देख रहे हैं, लेकिन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, सो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड एंड लिब्रा जेमिनी भी इन एक्वेरियस, ये भी मुझे दिख रहे हैं। एंड कैंसर तो मुझे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं, कैप्रिकॉन मुझे बहुत ही प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं, ठीक है, एंड जेमिनी, ठीक है, यस जेमिनी एंड कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, लेकिन ये रीडिंग सभी के लिए है, सो डोंट वरी। ओके, तो जो आपके पार्टनर की भी करंट सिचुएशन है वो गाइज ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो डेफिनेटली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं आपसे, जो भी आपके बीच में हुआ, दे आर लॉट ऑफ कम्युनिकेशन दे वॉन्ट, बट एक कहते हैं ना, कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं, फाउंडेशन और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पार्टनर ना इस वक्त पैसे के बारे में भी बहुत सोच रहे हैं, अपनी मटेरियल ग्रोथ, अपनी सक्सेस के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग नंबर वन बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे, 110। तो ये जो लोग हैं ना, ये जैसे अब इनका ध्यान ना पूरा वहाँ पर उन्होंने फोकस कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मून का कार्ड है अभी डेफिनेटली यहाँ पे ना उनके लिए ये भी आ रहा है कि ना वो बहुत ज़्यादा फ्रजाइल है, अनडिसाइडेड है, कन्फ्यूज्ड है, डिप्रेस्ड है, यू नो, और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज सिचुएशन में है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं यहाँ से आगे बढ़ूँ तो बढ़ूँ कैसे, कम्युनिकेट करूँ तो करूँ कैसे। हो सकता है उनको पास्ट की कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं, जैसे ही वो सोचते हैं कि आगे बढ़ूँ उनको कुछ पास्ट का याद आ जाता है कि नहीं यार मेरे साथ तो ऐसा हुआ था। एंड बॉटम कार्ड में आपके लिए यहाँ पे आया है नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो होता है ना टैरो में सबसे ज़्यादा स्लो कार्ड होता है, ये आप देखिए कि यहाँ पे घोड़ा, ये इंसान घोड़े के साथ खड़ा है, वह मूव नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है ना वो मूव ही नहीं कर रहे हैं, वहीं खड़े हैं, सोच रहे हैं वहाँ बैठे बैठे, वहाँ खड़े खड़े कि हाँ मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बट वो वहाँ से मूव नहीं कर रहे हैं, अपनी तरफ से उनका एक्शन कुछ भी नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कम्युनिकेशन तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि बात हो जाए बस, कैसे करके वही बात कर ले, यू नो, एंड डेफिनेटली यहाँ पर सी सवाशन में बैठे हैं, जैसे बॉटम कार्ड में जैसे सरेंडर करके बैठे हैं कि नहीं नहीं नहीं, एक मैंने बताया ना आपको जब मैं शफल करी थी, शेल में चले गए हैं वो अपने ना, किसी अंदर कुभवन कहते हैं ना, जैसे कि अपने आप ही ना बैठ के सोचे जा रहे हैं एंड एट द सेम टाइम वो काम भी कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 24 घंटे आप ही के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनके मन में, उनके बैक ऑफ द माइंड में सिर्फ आप हैं, आप ही के थॉट्स घूम रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो उन्हें इतने परेशान हो रहे हैं ना, स्पेशली एट नाइट टाइम उनकी जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी बहुत ख़राब मैं देख रही हूँ, और बहुत ही जैसे कहते हैं ना डिस्टर्ब लग रही हैं मुझे आपकी पार्टनर की एनर्जी, डेफिनेटली हाई प्रेस्टेज, उनकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो रही है, उनको ऑलरेडी पता है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट जोन में, उन्हें पता है कि आप उन्हें मिस कर रहे हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके ना, क्योंकि डेविल की एनर्जी है, मुझे ये भी दिख रहा है कि ना उनको ये लग रहा है कि यार ये तो मस्त अपना सेलिब्रेट कर रही है, कर रहा है, यू नो, इस तरीके की थिंकिंग चल रही है, लेकिन फिर भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे आप जिन भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी क्या फीलिंग है, व्हाट इज योर करंट फीलिंग, ठीक है, पहले हम आपकी करंट फीलिंग देखेंगे। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सन, ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, वाओ वंडरफुल, ओके, तो यहाँ पे जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं आई एम डेफिनेटली श्योर उनके लोगों, आप में से ना बहुत से लोगों के बहुत टाइम से ना स्टिल आप अभी भी कन्फ्यूज्ड हैं कि आगे बढ़े पीछे जाएं, रुके या मूव ऑन करें, चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी, आप भी कन्फ्यूज हैं, आप भी कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना अनस्टेबल है, लेकिन आपकी जो मुझे एनर्जी है ना फिर भी कहीं ना स्टेबल दिख रही है कुछ सेंस में, कहीं ना कहीं मैरिज आपके माइंड में है, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग शादी करना चाहते हैं, यू नो, या तो अपने पार्टनर से, या फिर चाहते हैं कि अब सेटल डाउन हो जाएं हम अब अपनी लाइफ में, यू नो, इस तरीके की कन्फ्यूजन भी दिख रही है कि वेट करें या फिर आगे बढ़ जाएं। एंड डेफिनेटली यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है जो आपकी करंट फीलिंग यही बता रही है कि ना राइट नाउ यू आर इन डेफिनेटली ना
स्पेशली यहाँ पे ना आप में से बहुत से लोगों के लिए ये भी आया है कि ना फाइनेंसेस अगर आप किसी इससे गुजर रहे हैं तो उनसे भी मूव ऑन करते हुए आप आगे नजर आ रहे हैं, मुझे आगे बढ़ रहे हैं. एंड फाइव ऑफ पेंटिकल चेंज चाह रहे हैं कहीं ना कहीं आप. अ लॉट ऑफ यू वांट चेंज इन इन योर लाइफ, इन योर फाइनेंसेस, इन योर करियर एज वेल. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लोगों के ना दिमाग में कहीं ना कहीं करियर भी देख रही हूँ, करियर भी आपके साथ चल रहा है और एक मूवमेंट मुझे नजर आ रही है. एंड सी सेकेंड कार्ड इज सन. तो आप में से बहुत से लोग इस वक्त ना एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे या फिर बहुत से लोग चाहते हैं कि बस क्या हो जाए, क्या कर दें. और यू नो सन का कार्ड मुझे यहाँ पे ना ये दिखा रहा है कि ना होप, ब्राइटनेस, यू नो लाइट इज विनिंग ओवर डार्कनेस. ठीक है, आप यू आर ऑल सेट रेडी टू, जैसे कहते हैं ना कि अभी झगड़ा कैसे रिजॉल्व करने के लिए. कहीं ना कहीं आप में मैं बहुत एक्साइटमेंट, पैशन देख रही हूँ. और फाइव ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है. आप में से बहुत लोग ना अब चाहते हैं कि ये जो झगड़ा है ना ये कहीं ना कहीं ना रिजॉल्व हो जाए. ठीक है, यस डेफिनेटली. लेकिन ना आप भी ये चाह रहे हैं कि ना पहल वहाँ से हो जाए, मैं नहीं करूँगी और कहीं ना कहीं मैं नहीं करूँगा. और हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों के पास चॉइसेस भी हों और चॉइसेस भी हों और पर आप भी देखना नहीं चाह रहे हैं वो चीज़ें. ठीक है, कहीं ना कहीं डिवाइन आपको देना चाहता है लेकिन आपका ध्यान कहीं और है. एंड डेफिनेटली पाँच नंबर यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड चेंज विच इज़ आई एम क्लियरली सीइंग कि चेंज 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 ही यहाँ पे आप मेजरली वॉन्ट मांग रहे हैं एक तरीके से. ठीक है, लेट्स सी आपके लिए मास्टर कार्ड क्या आ रहा है. थैंक यू व्हाट इज द मास्टर कार्ड. थैंक यू. ओके, हाय प्रिस्टेस. तो डेफिनेटली मेजर थिंग्स गोना कम इन दिस मार्च. ठीक है, आपको डेफिनेटली जैसे कहते हैं ना जिस भी चीज़ों का इंतज़ार था. और लेकिन ना मैं कहीं ना कहीं थोड़ी डिले देख रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट. आई एम सॉरी टू से दिस थिंग, लेकिन यस डिले देख रही हूँ. लेकिन आप में से बहुत से लोग ना की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है, उन्हें जैसे पता है कि उनके पार्टनर के साथ क्या हो रहा है, आपके पार्टनर की भी इंट्यूशन. क्योंकि यहाँ पे ना लवर का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है जो अपने आप में ही बता रहा है कि जैसे कहते हैं ना दो जिसमें एक जान, दे ऑलरेडी नो. ठीक है, नाउ लेट्स सी. आपके लिए कहा जा रहा है कि अपने पे काम करें, अपने इंट्यूशन पे काम करें और कहीं ना कहीं मून साइकिल से कनेक्ट होने की कोशिश करें गाइज. ठीक है, डेफिनेटली मेजर चीज़ें होने वाली हैं इस स्पेशली फेमिनाइन एनर्जी के साथ. ठीक है, मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर. और दो नंबर यहाँ भी इम्पॉर्टेंट आ रहा है कि जैसे कि आप में से बहुत से लोगों का पर्सनल मंथ टू हो सकता है. यस, लेट्स सी आपके लिए न्यूमरोलॉजी गाइडेंस से क्या गाइडेंस आ रही है, क्या आ रहा है आपके लिए इस मार्च. ओके, लेट्स सी. थैंक यू. इस मार्च क्या आ रहा है. थैंक यू. थैंक यू. ओहो, सक्सेस. वाओ. सो सक्सेस के बाद आपके लिए सेकंड कार्ड आया है पेन. ओके, लेट मी सी द कॉशन. ओके फाइन, यहाँ पे डबल सन आ चुका है, टेरो से भी सन आया था. एंड सी बॉटम कार्ड एलिमिनेशन. तो यहाँ पे नो डेफिनेटली ऑरेंज. आप में से बहुत से लोग अगर डिप्रेस्ड हैं ना अपनी लाइफ में या फिर उनको लग रहा है कोई होप ही नहीं है तो आपके लिए कहा जा रहा है एक तो आप येलो एंड ऑरेंज कलर पे काम करें. अपनी अपनी डाइट में फ्रूट्स ले सकते हैं आप या फिर इस कलर की लाइट से आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं. ठीक है, कलर थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में बिकॉज चक्रास कहीं ना कहीं कलर थेरेपी का हिस्सा है और चक्रास बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में. ठीक है, तो आपके लिए कहा जा रहा है योर सेक्रल चक्रा एंड योर सोलर प्लेक्स चक्रा, इनफैक्ट रूट चक्रा. यहाँ पे आप में से बहुत से लोग ना जैसे कहते हैं ना एक सफरिंग कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर नॉट स्टेबल रूट चक्रा. उनका रूट चक्रा स्टेबल नहीं है तो आप में से बहुत से लोग ना सफर कर रहे हैं अभी लिटरली, जैसे कहते हैं ना पेन में हैं. और आपके लिए यही आ रहा है कि ना सक्सेस इज देयर फॉर यू इन दिस रिलेशनशिप, सक्सेस इज देयर. लेकिन जो ये दर्द है ना आपके लिए कहा जा रहा है कि इस दर्द को भी आप जो अभी इस वक्त जो आप महसूस कर रहे हैं इस दर्द को भी आप ध्यान रखें. ठीक है, क्योंकि चीज़ें आपके लिए नो डाउट इम्प्रूव होंगी लेकिन आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि आप सोच समझ कर कुछ
डिसाइड करें, ठीक है। डेफिनेटली आप में से बहुत से लोगों को ना कुछ चीज़ों में इल्यूमिनेशन चाहिए, जैसे कि कुछ इश्यूज हैं जिन्हें आपको बैठ के एड्रेस करना पड़ेगा, अपने पार्टनर के साथ बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पे आपकी कमिटमेंट इश्यू हो बहुत सारे, तो आपको वो बैठ के डिस्कस। सो यहाँ पे आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है डिस्ट्रप्शन, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। और डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से बहुत से लोगों के लिए मैसेज तो आने वाला है। सी एंड द कार्ड इज अबंडेंस, ग्रीन कलर आ गया है। ग्रीन एंड पिंक अगेन बोथ यू नीड टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा माय डियर फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा आ रहा है इस मार्च मंथ, ठीक है। कोई भी ऐसा कार्ड नहीं आया है जो बुरा हो। एंड आइडिएशन का कार्ड है, आप मत भूलिए आप कौन है, ठीक है। आपके लिए कहा जा रहा है अपनी सेल्फ वर्थ को पहचाने, अपने आप को पहचाने, किसी के लिए भी नीचे गिरे ना और अबंडेंस की फील में रहें। यू नो अगर आप ऑलरेडी लैक की फील में रहेंगे तो यूनिवर्स आपको लैक ही देगा, ठीक है। तो ये मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास नहीं है। अगर आप अबंडेंस की फील में रहेंगे तो यूनिवर्स आपको अबंडेंस देगा। तो एक ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है। और मैं समझती हूँ कि कभी कभी ना बहुत टफ हो जाता है किसी ऐसी सिचुएशन में इंसान का पॉजिटिव रहना, लेकिन यू नो यही वो टाइम होता है जब हमें एक्चुअल में अपनी पावर का पता चलता है। खुशी और गम, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, और गम कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज समहाउ जब एब्सेंस ऑफ हैप्पीनेस होती है, दैट इज़ अ टाइम वेन वी लर्न सो मैनी थिंग्स अबाउट अस, अबाउट पीपल। और कभी भी कोई भी वक्त बुरा नहीं होता, हर वक्त अच्छा ही कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है। अगर इस वक्त आप बहुत गंदा फील कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, हो सकता है आई नो यहाँ पे काफ़ी लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन फिर भी आप, हो सकता है कि आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में, या फिर ये भी हो सकता है कि यू नो आप अपनी सेल्फ वर्थ को नहीं पहचान रहे हैं। तो ये वक्त है, और मुझे ऐसा लगता है कि टाइम टू टाइम ना रिलेशनशिप में सेपरेशन आना चाहिए, ताकि दूसरा इंसान आपकी वर्थ को पहचाने और आप उनकी वर्थ को पहचाने। व्हेन अ पर्सन इज इजीली अवेलेबल, तो हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, है ना, उनके प्यार को, उनकी वॉर्मथ को, उनकी, हमें ऑटोमेटिकली झगड़े, उनके अंदर कमियां नजर आने लगती है, यू नो। लेकिन द मोमेंट सेपरेशन होता है, द मोमेंट दोनों लोग अलग होते हैं, कहीं ना वॉर्मथ पता चलती है उस रिलेशनशिप की, ठीक है। तो ये टाइम भी आपको कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाएगा, ठीक है। एंड द लवर कार्ड यहाँ आया है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। इस मार्च के मंथ में डेफिनेटली आप में से बहुत से लोगों के लिए गुड न्यूज़ आने वाली है इन योर टर्म ऑफ योर लव लाइफ। यूनियन मैं देख रही हूँ, सोलमेट मैं देख रही हूँ आपके लिए, तो डेफिनेटली ये यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं मार्च मंथ में। सो दैट्स इट गाइज, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ़ यू डू हिट द लाइक बटन एंड आई सी माई नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एंड नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट की कि नहीं की, और डेफिनेटली आप नीचे मुझे एंजल्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर दें, ताकि यू नो जब हम ग्रैटिट्यूड दें तो चीज़ें मल्टीप्लाई होगी आपके, और इस इतनी पॉजिटिव एनर्जी को आप ग्रैप कर सकें। एंड सेकेंडली, आप में से बहुत से लोग अगर क्रिस्टल हीलिंग चाहते हैं और ऑनलाइन टैरो क्लासेस सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल हीलिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं आपकी रिलेशनशिप को हील करने में, आपको हील करने में, तो आप मुझे उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑफकोर्स फॉर योर न्यूमरोलॉजी चार्ट, फॉर योर टैरो गाइडेंस, एनीथिंग, ठीक है, आई एम देयर फॉर यू। And of course, not our timings. So I think you will take care of that. And yes, that's it for today. And I'll see you in my next one. And yes, आप मुझे नीचे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट और क्या देखना चाहते हैं, किस बारे में देखना चाहते हैं। I would love to do that. Okay. So bye bye. Take care. And work on yourself. Like you know, be happy. Be. You know, happy mind, happy heart can attract 1,000 things, even gazillion things. A sad heart, a sad mood, कुछ भी attract नहीं करता। आप देखिएगा, जब आप बहुत depressed होते हैं ना, आप sad song उठा के सुनने लगिए। मैं sad songs नहीं सुनती हूँ, ठीक है, और आ भी जाता है तो मैं फट से change कर देती हूँ, क्योंकि ना हम जो सुनते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो देखते हैं, उनका सबका असर हमारे subconscious में पड़ता है, और फिर वही चीज़ें हमारे साथ होने लगती हैं। तो मेक श्योर, अगर आप डिप्रेस भी है ना,
डिप्रेस इज अ वेरी वेरी बैड टर्म. आई डोंट यूज देम इन माई लाइफ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि नो इट इज अ फेज. ओके, और ये भी क्रॉस हो जाएगा. सो बेटर यू टेक केयर ऑफ एंड हैप्पी सॉन्ग्स सुने. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू माय नेक्स्ट वन. बाय बाय.